हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9.5। और इसमें हमें एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। वाई अपॉन एक्स देखते ही पता चल रहा है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, देखते ही पता चल रहा है सर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप तो पहले ही क्लियर है आपको कि होमोजीनियस क्यों है, बिकॉज यहाँ साइन के अंदर वाई अपॉन एक्स का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, क्योंकि y अपॉन x है तो हमें dy वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा। तो जब यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड किया तो आपका कुछ बचा है ऐसा, यहाँ पे पहुँचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि अगर ये वैल्यू पूरा मैं ज़ीरो के साइड ले जाऊँ तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और जब ये माइनस नीचे आएगा तो ये माइनस का x बनेगा और ये माइनस ऊपर चला गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स वो आपका कुछ इस फॉर्म में, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इस स्टेप को। ओके, सेकंड स्टेप तो हमें ऑलरेडी पता है कि होमोजीनियस है, तो हम डायरेक्टली वाई को वी एक्स रखते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने इस वैल्यू को रिप्लेस किया, वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स साइन स्क्वायर, और जहाँ जहाँ पे वाई है उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे वी एक्स। ये दो जगह पे वाई है तो उसकी जगह यू कैन सी ये वी एक्स आया, ये वी एक्स आया, एक्स एक्स कैंसिल, इस पूरे से एक्स कॉमन आके ये एक्स भी सब कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर वी प्लस वी। कोई टेंशन यहाँ पे, देन वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर वी प्लस वी है, अगेन वी से वी कैंसिल और एक्स डी वी बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर वी। कोई टेंशन नहीं है इस स्टेप तक। अब हमने इसको रीअरेंज किया, जब हमने इसको रीअरेंज किया तो डी वी के नीचे चला गया साइन स्क्वायर वी, माइनस को हमने ही रहने दिया जैसे हम हर क्वेश्चन में छोड़ते आ रहे हैं। और डी एक्स अपॉन एक्स था, डी एक्स अपॉन एक्स आपको पता है माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस का सी रहेगा, साइन स्क्वायर ऊपर आके कॉसेक स्क्वायर वी हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर वी का इन पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और वो होता है माइनस का कॉट वी। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं किया, आप इस लॉग को इधर लेके आए, जब आप लॉग को इधर लेके आए तो ये लॉग आपका पॉजिटिव लॉग एक्स हो गया, ये माइनस का कॉट वी है, वी की जगह आपने वाई अपॉन एक्स रखा इज इक्वल्स टू सी हो गया। इस स्टेप तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है तो आपने एक्स की जगह वन रखा, वाई की जगह पाई बाय फोर रखा। तो यहाँ पे जब आपने एक्स की जगह वन रखा तो ये लॉग वन आपको पता है ज़ीरो होता है, वही लिखा गया है, माइनस का कॉट एक्स वन है वाई की जगह पाई बाई फोर, तो माइनस का कॉट पाई बाय फोर, पाई बाय फोर मतलब कॉट 45 डिग्री, 45 डिग्री आपको पता है वन होता है। तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया है माइनस का वन, यहाँ तक कोई टेंशन। और इन द फाइनल स्टेप अब बस हमने इस सी की जगह माइनस वन को पुट कर दिया है, बाकी तो एज इट इज़ लिखा है। अब थोड़ा अगर बुकिश लैंग्वेज से मैच करना है तो उसको थोड़ा कर लेते हैं। आपने क्या किया है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस वन से और यहाँ पे भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा दिया इस स्टेप में ऊपर। तो जैसे ही मैंने माइनस से आपका मल्टीप्लाई करवा दिया होगा तो प्लस का लॉग एक्स माइनस का लॉग एक्स, माइनस का कॉट वाला प्लस का कॉस वाई, कॉट वाई अपॉन एक्स, माइनस का वन प्लस का वन। वन को आप लॉग ई भी लिखते हैं, वन इज इक्वल्स टू लॉग ई भी होता है, इस पावर को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वन की जगह अब यहाँ पे लॉग ई आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, कॉट वाई एक्स को अकेला रहने देते हैं और इस माइनस लॉग एक्स को ले चलते हैं, इस माइनस लॉग एक्स को ले चलते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि वन की जगह लॉग ई आ गया, ये प्लस का लॉग एक्स बन गया, लॉग लॉग अब कॉमन आके लॉग ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो लॉग ई एक्स हो गया अंदर, यहाँ पे कॉट वाई अपॉन एक्स है। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, वेरी इजी, थैंक यू।